आदाब, मैं नदीम अकरम। आजकल पत्रकारिता बिल्कुल ही निचले स्तर पर जाती जा रही है और इसका जीता जागता उदाहरण है सुदर्शन न्यूज चैनल, जो एक खास समुदाय के लिए जहर उगलने में पूरी तरीके से कुख्यात हो रखा है। मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर इस चैनल के मालिक के दिल में भरा हुआ है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब चैनल में डिबेट करवाने की बजाय वो मुस्लिमों को बुलाकर पिटवाने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों के सामने आया है, जिस पर बात करना बहुत जरूरी हो गया। तो चलिए पहले इस पर ज्यादा ना बात करके आपको बता दें कि पूरा माजरा क्या है। आजकल की टीवी पत्रकारिता सत्ता के नाम पर गोदी मीडिया बन चुका है। न्यूज चैनलों के पास खबरों का इतना आकार पड़ा हुआ है कि अब टीआरपी बटोरने के लिए लाइव डिबेट में थप्पड़बाजी करा रहे हैं। हिंदुत्व विचारधारा को परोसने वाला सुदर्शन न्यूज चैनल अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता नजर आता है। टीवी पर आए दिन किराए के टट्टुओं को लाइव लाकर डिबेट कराता है। हिंदुत्व विचारधारा को परोसने वाले सुदर्शन न्यूज चैनल की लाइव डिबेट में टीआरपी के लिए मारपीट कराने का गंभीर आरोप लगा है। टीवी चैनल सुदर्शन के एक लाइव डिबेट शो में भगवा वस्त्र धारण किए एक गेस्ट ने लाइव डिबेट में एक मुस्लिम मेहमान को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद उस मुस्लिम युवक को मुंह लटकाकर लाइव शो से जाना पड़ा। लाइव शो पर थप्पड़ वाली घटना के ठीक पहले एंकर महदेव अपने दो मेहमानों के बीच हो रही बहसबाजी को चुपकर सुनने की नसीहत देते दिखे। यानी वो चाहते थे कि इन दो मेहमानों में बात आगे बढ़े और मारपिटाई शुरू हो जाए। सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसे न्यूज चैनल पर गेस्ट जाते क्यों हैं? क्या पिटने के लिए? क्या ऐसे न्यूज चैनल देखकर हम आप पत्रकारिता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? ये वो एजेंडा हो चला है कि अब लाइव डिबेट में डिबेट तो होती ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे को जितना नीचा दिखा दिया जाएगा उससे आपकी टीआरपी को फायदा मिलेगा। ऐसा ही तमाम न्यूज चैनलों में हम देखते आ रहे हैं, चाहे आज तक की बात करें, चाहे आर पार न्यूज 18 में अमीश देवगन की बात करें। पत्रकारिता के स्तर को इतना गिराते जा रहे हैं कि अब लोग पत्रकार को भी शक के दायरे में देखने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोबरा पोस्ट में ये पत्रकार और इनके न्यूज चैनल बेनकाब हुए हैं हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के, ये दुनिया के सामने पूरी तरीके से जगजाहिर हो चुका है। पर ये कहां का इंसाफ हो गया है कि आप डिबेट में जाएं, एक मुस्लिम को थप्पड़ खिलवाएं और अपनी टीआरपी बटोरवाएं? शर्म आती है उन मुस्लिम युवकों पर या उन मौलानाओं पर जो ऐसे न्यूज चैनलों में बैठ करके अपनी भद पिटवाते हैं। इस खबर को लेकर के पत्रकारिता के माहौल में वाकई काफी गुस्से का माहौल है कि आखिरकार ये राइट किसने दिया कि आप लाइव डिबेट में हाथापाई करें। अब ये छोटे न्यूज चैनल ही नहीं बल्कि बड़े बड़े न्यूज चैनलों में भी ऐसा देखा जा रहा है। बयानवीर संबित पात्रा भी अब इसमें पीछे नहीं है। वो लाइव डिबेट शो में कहते हुए नहीं थकते कि राहुल गांधी को जूते से मारना चाहिए। तो ये डिबेट को किस माहौल की तरफ क्रिएट करा जा रहा है, ये जग जाहिर हो चुका है। 2019 की राजनीति पाने के लिए चाहे लाइव डिबेट के माध्यम से नफरत फैलाई जाए और देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को 2019 में फायदा मिल सके। तो ऐसे ही तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।